गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन चैनल जीबी एजुकेशन। 10th सीरीज अपन पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसके अंतर्गत प्रेजेंट और पास्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस, जिसके अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है? सिंपल फ्यूचरिटी बताने के लिए विल या सेल मॉडल का यूज किया जाता है, और उसके बाद में वर्ब की जीरो फॉर्म। कई बार हम बात कर चुके हैं जीरो फॉर्म, वर्ब की जीरो फॉर्म का मतलब वर्ब की बेस फॉर्म होती है। ये इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग हुआ। आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ में सेल का यूज होगा। अदर जो भी बच गए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सी, ही, इट, दे और किसी का भी नेम हो तो विल मॉडल का यूज होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो तो विल या सेल के बाद में नोट का यूज कर देंगे, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो विल या सेल का यूज वाक्य के स्टार्ट में हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब पहचान कैसे पहचाने, क्योंकि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर एग्जाम में आती है तो सेंटेंस दिया होगा इंग्लिश का, तो उसमें अपन इसी टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरें। इसके लिए हमें सेंटेंस को पहचानना होगा। सेंटेंस में ऐसा क्या होगा जिससे हमें पता चले कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज होगा? तो उसके लिए है, अगर वाक्य में टमारो ये दिया हुआ हो टाइम एडवर्ब, नेक्स्ट प्लस टाइम, इस प्रकार का टाइम एडवर्ब दिया हुआ हो, या आगे का सन, आगे का सन या वर्ष दिया हुआ हो। टमारो नेक्स्ट प्लस टाइम दिया हुआ हो, आगे का सन या वर्ष दिया हुआ हो, तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। उदाहरण देखते हैं। जैसे सी ब्लैंक प्लेस, मीट वर्ब अपने पास, हर मदर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट प्लस टाइम। ये जो एडवर्ब है नेक्स्ट प्लस टाइम, ये टाइम एडवर्ब बताता है कि जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा, यानी फ्यूचर टाइम को बताता है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज अपन करेंगे इसमें। सी है तो विल मॉडल का यूज होगा, इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म, ब्रैकेट में जो होती है वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है। हमेशा ब्रैकेट में कौन सी वर्ब दी हुई होगी? वर्ब की बेस फॉर्म दी हुई होगी। तो विल या सेल, इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म, ये अपनी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी। एक और देखे, आई ब्लैंक प्लेस कॉल यू टमारो, आई ब्लैंक प्लेस कॉल यू टमारो, ये दिया हुआ है टाइम एडवर्ब जो भविष्य में होने वाले एक्शन को बताता है। एक्शन विल कंप्लीट इन फ्यूचर एट सम टाइम, तो उस फ्यूचर में किसी समय कार्य पूरा होगा, ये बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। आई के साथ में सेल का यूज करेंगे। आजकल विल का यूज होता है सबके साथ में, वो भी एक्सेप्टेबल है, तो सेल का यूज करेंगे अपन। और फिर वर्ब की बेस फॉर्म यही है सेल कॉल, आई सेल कॉल यू टुमारो, इस चीज का ध्यान रखना है। और एक चीज जो आपको विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है, फ्यूचर यानी ऑफिशियल
ऑफिशियल फ्यूचर प्रोग्राम्स, ऑफिशियल फ्यूचर प्रोग्राम्स की बात हो या टाइम टेबल की कोई बात हो, टाइम टेबल्स, ऑफिशियल फ्यूचर प्रोग्राम्स या टाइम टेबल की बात हो, तो फिर भले ही नेक्स्ट आए, भले ही टुमारो आए, इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें टुमारो ये टाइम एडवर्ब हो या नेक्स्ट प्लस टाइम टाइम एडवर्ब हो, लेकिन वो ऑफिशियल फ्यूचर प्रोग्राम या कोई भी टाइम टेबल्स के बारे में बताता है, तो हमेशा इसका ही यूज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट के बजाय सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर प्रोग्राम्स हो या टाइम टेबल्स हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। उदाहरण में यहां लिख रहा हूं, द प्रेसिडेंट ब्लैंक प्लेस अराइव, ये वर्ब है अपने पास, सिक्कर टमोरो, द प्रेसिडेंट विल अराइव नहीं होगा, केवल क्या होगा इसमें अराइव्स। इस चीज को स्पेशल आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियल फ्यूचर प्रोग्राम्स हो या टाइम टेबल्स हो, तो भले ही ये टाइम एडवर्ब आए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है, तो इसको स्पेशल आप ध्यान रखना। समझ में आई बात? अब और कब होगा इसका, टू टॉक अबाउट स्पीकर्स इंटेंशन टू टॉक अबाउट स्पीकर्स इंटेंशन दैट शोज प्रेडिक्शन। ये चीज टू टॉक अबाउट स्पीकर्स इंटेंशन दैट शोज प्रेडिक्शन, यानी जब हम स्पीकर के इरादे यानी बोलने वाले के इरादे की बात करें जो कि प्रेडिक्शन बताता हो, जो कि पूर्वानुमान की बात करता हो, यानी पूर्वानुमान किसी भी भविष्य में किसी भी घटित होने वाली घटना के बारे में अपन पूर्वानुमान लगाएं, प्रेडिक्शन व्यक्त करें, तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे सी ब्लैंक प्लेस, बी अपने पास वर्ब है, जैसा कि मैंने बताया था ब्रैकेट में हमेशा बेस फॉर्म का यूज होता है। 20 नेक्स्ट मंथ, सी ब्लैंक प्लेस, बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म अपने को भरनी है 20 नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वह 20 की हो जाएगी, तो स्पीकर्स इंटेंशन है दैट शोज प्रेडिक्शन। तो ऐसी स्थिति में भी अपन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो सी सेल या विल में से विल का यूज करेंगे, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी केवल फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का यूज कर सकते हैं अपन, विल और बेस फॉर्म बी, तो ये की हो जाएगी, ब्रैकेट में हमेशा बेस फॉर्म होती है, तो ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगी, सी विल बी 20 नेक्स्ट मंथ। एक और उदाहरण की अपन बात करें, वी ब्लैंक प्लेस, नो वर्ब है, वी ब्लैंक प्लेस नो आवर रिजल्ट्स इन जुलाई, हम जुलाई में हमारा रिजल्ट जानेंगे, इन जुलाई, ये बता रहा है कि ये प्रेडिक्शन की बात हो रही है, स्पीकर्स इंटेंशन दैट शोज प्रेडिक्शन, जुलाई में हम हमारा रिजल्ट देख पाएंगे।
जानेंगे। तो वी सेल नो, शेल वी के लिए और फिर बेस फॉर नो, ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगी इस सेंटेंस में। वी सेल नो आवर रिजल्ट्स इन जुलाई। अब देखो इस चीज का आपको ध्यान रखना, जब ये शो हो सेंटेंस के माध्यम से कि इसमें स्पीकर्स की प्रेडिक्शन का बोध हो रहा है, तो ही अपन ये करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अन्यथा देखो इस प्रकार का सेंटेंस आ सकता है, इट जनरली ब्लैंक प्लेस रेन इन जुलाई इन राजस्थान, ये सेंटेंस है, इट जनरली ब्लैंक प्लेस रेन इन जुलाई इन राजस्थान। तो ये परमानेंट एक्शन है, ये सेंटेंस बताता है परमानेंट एक्शन। तो परमानेंट एक्शन बताने वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। सामान्यतया राजस्थान में जुलाई में वर्षा होती है, तो परमानेंट एक्शन बताता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, यानी सिंपल प्रेजेंट। और इट अपने पास सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ ऐसे एस का प्रयोग होगा। तो इट जनरली रेन्स, इसमें रेन्स होगा। अब देखो स्ट्रक्चर, इसमें भी जुलाई है, इट जनरली रेन इन जुलाई इन राजस्थान, तो यहाँ भी इन जुलाई है, यहाँ भी इन जुलाई है, लेकिन ये परमानेंट एक्शन को बता रहा है। और ये जो सेंटेंस है ये बताता है प्रेडिक्शन को, पूर्वानुमान, भविष्य में होने वाली कोई भी बात हो उसका पूर्वानुमान लगाते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है, और परमानेंट एक्शन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। इस चीज का आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। और कब होता है, टू टॉक अबाउट, टू टॉक अबाउट एक्शन वी थिंक और बिलीव will will happen in future, इनके बारे में। To talk about actions we think believe will happen in future, ऐसी action यानी ऐसे कार्यों के बारे में बताने के लिए जिनके बारे में हम सोचते हैं, हम विश्वास करते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा। जब हम सोचें या विश्वास करें कि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसे कार्यों को बताने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। एक्शंस वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन फ्यूचर, समझ गए होंगे इस बात को कि भविष्य में होने वाले, जब हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, हम विश्वास करते हैं कि ऐसा होगा, यानी भविष्य में ऐसा होगा, इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार के कार्यों को बताने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे अपन उदाहरण की बात करें, यानी आज यूं समझ लीजिए कि आई थिंक, ये फ्रेज हो, आई एम श्योर ये फ्रेज हो, आई बिलीव ये फ्रेज हो, आई एक्सपेक्ट इस प्रकार के फ्रेज हो और क्लोज हो, और इनके बाद में कोई क्लोज आए, नेक्स्ट क्लोज, इनके बाद में कोई नेक्स्ट क्लोज आए, वो क्लोज होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। वो क्लोज कौन से टेंस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, यानी ये क्लोज इनके बाद में कोई आगे वाला क्लोज आता है, आई थिंक, आई एम श्योर, आई बिलीव, आई एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा, मेरा विश्वास है ऐसा होगा, मैं सोचता हूं ऐसा होगा, तो उसमें जो क्लोज आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा,
फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा, इसका मतलब सेल या विल मॉडल और उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आई बात? देखो उदाहरण, आई थिंक इंडिया ब्लैंक प्लेस, विन अपने पास वर्ब है, उसकी करेक्ट फॉर्म अपन भरेंगे द मैच। आई थिंक इंडिया ब्लैंक प्लेस विन द मैच, तो क्या हो जाएगा? आई थिंक इसके बाद में कोई भी क्लोज आ रहा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, इंडिया है तो विल, और ये बेस फॉर्म विन, इंडिया विल विन द मैच, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। आई एम श्योर राधा ब्लैंक प्लेस गेट द फर्स्ट प्राइज। आई एम श्योर राधा विल गेट द फर्स्ट प्राइज। विल और गेट, विल और उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी ये क्लोज हो उसके बाद में कोई भी क्लोज हो, ये लिखा हुआ है आई थिंक, आई एम श्योर, आई बिलीव, आई एक्सपेक्ट, इस प्रकार की क्लोज, इसके बाद में आगे आने वाली क्लोज है वो भविष्य में होने वाली किसी एक्शन को बताएगी, इसलिए उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। ये तो थी बात अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अब देखो अपन पढ़ते हैं अगला टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? शैल बी या विल बी, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो शैल नॉट बी हो जाएगा, विल नॉट बी हो जाएगा, और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो शैल या विल शुरू में आ जाएगा, ये पहले अपन बात कर चुके हैं। तो ये इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। पहले भी मैं बता चुका हूं कि अपने पास में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ होगा। अब रिटन सेंटेंस में जनरली पता नहीं चलता है कि स्पीकर की इंटेंशन क्या है, वो भाई रिटन में कैसे पता चलेगा कि टाइम प्रेजेंट की बात हो रही है और फ्यूचर की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि वर्ब को देख करके तो अपन पता कर सकते हैं कौन सा टेंस होगा, लेकिन वर्ब की जगह तो ब्लैंक प्लेस आएगा, इसलिए कैसे समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आएगा? तो पहचान तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज कब होता है, किस लिए होता है? इनकम्प्लीट एक्शन हो, इनकम्प्लीट एक्शन, वो भी फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर में कोई भी इनकम्प्लीट एक्शन को बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है, यानी एक्शन विल बी गोइंग ऑन, एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर, भविष्य में किसी समय कोई कार्य जारी रहेगा, उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, यानी एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर, भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा, इसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है।
उसमें ये करेक्ट फॉर्म वर्ब आ जाएगी। अब रिटर्न सेंटेंस पहले से अपने पास लिखा हुआ है, उसमें क्या पहचान हो कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की उसमें करेक्ट फॉर्म भरें, उसके लिए अपन बात करते हैं। पहचान क्या होगी? एक तो आपको बताई दिया कि ऐसा बोध होता हो किसी भी सेंटेंस को देख करके कि भविष्य में कोई कार्य किसी समय पर जारी रहेगा, गोइंग ऑन, समझ में आई बात। उसके लिए अपन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। पहले एक उदाहरण देखो, वी ब्लैंक प्लेस ट्रेवल, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह हम यात्रा कर रहे होंगे। वी सेल बी, वी है तो सेल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वी सेल बी ट्रेवलिंग, वी सेल बी ट्रेवलिंग टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह हम यात्रा कर रहे होंगे। यानी सेंटेंस ये बता रहा है कि फ्यूचर में, टुमारो मॉर्निंग, फ्यूचर में किसी समय कार्य जारी रहेगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज अपन करेंगे। और पहचान और क्या हो सकती है इसमें? दीज डेज प्लस नेक्स्ट ईयर, ऐसा स्ट्रक्चर आई। भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अपने पढ़ा था दीज डेज प्लस लास्ट ईयर, ऐसा स्ट्रक्चर आए। दीज डेज आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सीधी सी बात है, लेकिन दीज डेज के साथ में लास्ट ईयर ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। दीज डेज इसके बाद में नेक्स्ट प्लस ईयर ऐसा आता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा, इसका ध्यान रखना है। ऐसे ही एट दिस टाइम टमारो, एट दिस टाइम आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। इसके साथ में एट दिस टाइम के साथ में यस्टरडे का यूज किया था तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात की थी अपन ने, लेकिन एट दिस टाइम के साथ में टमारो आता है तो इसका मतलब है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज अपन करेंगे। समझ में आई बात? इस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है, दिस डेज नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम टुमारो, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे दे बिल्ड ए हाउस, दे ब्लैंक प्लेस बिल्ड ए हाउस these days, next year, इन दिनों, अगले साल, इन दिनों वे एक घर बना रहे होंगे। they will be building, ये correct form of verb हो जाएगी, they will be building a house these days, next year, समझ में आई बात? They will be building a house these days next year. These days इसके साथ में next year आता है, future continuous tense का अपन यूज करेंगे। He blank place learn English at this time. एट दिस टाइम प्लस टमारो, तब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। ही विल बी लर्निंग,
क्या हो जाएगा, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम टमोरो, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी। एक ऐसा भी हो सकता है, देखना एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, व्हाइल सी विल बी राइटिंग ए पोइम हर सिस्टर ब्लैंक प्लेस रीड हर स्टोरी बुक। इस प्रकार का सेंटेंस, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, व्हाइल क्लोज और फिर अदर क्लोज। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हुई थी, उसमें पढ़ा था हमने व्हाइल क्लोज। अब इसमें भी ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर व्हाइल क्लोज में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है तो अदर क्लोज में भी अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ऐसा कभी कभार आ सकता है। समझ में आएगी बात, कभी कभार ऐसा भी आ सकता है। व्हाइल सी विल बी राइटिंग, जब वह एक पोइम लिख रही होगी, उसकी बहन अपनी कहानी की पुस्तक पढ़ रही होगी, विल बी रीडिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी, विल बी रीडिंग। व्हाइल सी विल बी राइटिंग ए पोइम हर सिस्टर विल बी रीडिंग हर स्टोरी बुक। इस प्रकार से अच्छी तरह से आपको इसको समझना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।